नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 16.1. क्वेश्चन इज a1 + 1b इज इक्वल टू b0. देर आर टू लेटर्स ए एंड बी जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है और बी यहाँ पे दो बार रिपीट हुआ है, दोनों जगह बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज a1 + 1b इज इक्वल टू b0. एडिशन वंस कॉलम से स्टार्ट करते हैं. वंस कॉलम इज 1 + b इज इक्वल टू 0. 1 + b इज इक्वल टू 0. यहाँ b के प्लेस में हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको 1 के साथ ऐड करने पे आंसर 0 मिल जाए, लेकिन 0 तो 1 से छोटा नंबर है इसलिए यहाँ 0 नहीं हो सकता. लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसकी 1 डिजिट 0 हो, लाइक 10, 20, 30 एंड सो ऑन. लेट्स ट्राई विथ 10. 1 + b इज इक्वल टू 10. बी की वैल्यू फाइंड करनी है. बी इज इक्वल टू 10 - 1. 1 यहाँ पे बी के साथ ऐड हो रहा है, 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर जाके माइनस होगा. नाउ बी इज इक्वल टू 10 - 1 इज 9. इस तरह से बी की वैल्यू मिल गई हमें 9. बी इज इक्वल टू 9. बी की जो वैल्यू यहाँ होगी वही सेम यहाँ भी होगी. बी इज इक्वल टू 9. 1 + 9 इज 10. 10 का 0 यहाँ और 1 को कैरी करेंगे 10th कॉलम में. इस तरह से 1's कॉलम कंप्लीट हो गया. अब 10th कॉलम देख लेते हैं. 10th कॉलम इज 1 + a + 1 इज इक्वल टू b. 1 + a + 1 इज इक्वल टू b. और b की वैल्यू फाइंड करी है हमने यहाँ पे 9, तो b के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे. 1 + 1 = 2. 2 + a इज इक्वल टू 9. a की वैल्यू फाइंड करनी है. a इज इक्वल टू 9 - 2. देन a इज इक्वल टू 7. तो a की वैल्यू भी मिल गई हमें 7. a इज इक्वल टू 7. अब चेक करते हैं कि a और b की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो करेक्ट है या नहीं. सो द पजल हैज बीन 7 + 1 = 9 इज इक्वल टू 9 - 0. 1 + 9 = 10. 10 का 0 यहाँ, 1 कैरी करेंगे 10th कॉलम में. 1 + 7 = 8. 8 + 1 = 9. आंसर इज 9 - 0. हमारा आंसर क्वेश्चन के आंसर से एग्जैक्टली मैच हो रहा है. दैट मींस ए और बी की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो करेक्ट है. सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 7 एंड बी इज 9. दिस विल बी आंसर. With this we complete our question number 8. I hope the question is clear. If you still have any doubt, you can mention in the comment box. And please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.